कल करीब 11:30 बजे दिन एक इन्फॉर्मेशन आई, एक मुंडा आया साढ़े को, उन्हें दसिया कि मेरी नाबालिग भैन जो असी बिहार तो पंजाब आए थे लुधियाने रेलवे स्टेशन, मेरी 13 साल की नाबालिग भैन सी, उन्हों कोई किडनैप करके ले गया। मामला तो बाद जदों कुड़ी रिकवर हुई सानू उस तो बाद पता लगा कि भी जेड़ा व्यक्ति कल कुड़ी का भरा दसदा पिया सी अपने आप नूं, वो असल विच वो बिहार तो कुड़ी नूं बहला फुसला के बरगला के भजा के लेके आया सी। तो हार मान के हमने दोनों भाई बहन यहाँ पर आके स्टेशन पर बैठ गए। जी 6 बजे उम्र कितनी बहन? 12-13 साल है, ज़्यादा नहीं। 12-13 कल करीब 11:30 बजे दिन एक इन्फॉर्मेशन आई, एक मुंडा आया साढ़े को, उन्हें दसिया कि मेरी नाबालिग भैन जो असी बिहार तो पंजाब आए थे लुधियाने रेलवे स्टेशन, मेरी 13 साल की नाबालिग भैन सी, उन्हों कोई किडनैप करके ले गया। तो जदों असी उहदे नाल पुछगिछ करनी शुरू की, क्योंकि मामला नाबालिग बच्ची होण दे किडनैप दा सी, तो असी गंभीरता नाल जदों पुछगिछ शुरू की तो वह बारी बारी अपने बयान बदलता सी, कदी वो किसी भी उहदा संतुष्ट जिहा जवाब नहीं दे पा रहा सी। असी उन्हों डिले का कारण पूछे, उन्हें दसिया कि रात 3 बजे की यह घटना है, 21-22 की रात की। तो असी पूछा कि तू 11:30 बजे साढ़े को आया इन्फॉर्मेशन लेके, तो हुण तक तू कित्थे सी? उन्हें दसिया कि मैं ढूंढ रहा था। पर जदों CCTV देखे, जदों असी अपने सीनियर अफसरान वाला की नॉलेज लेके आए, तो साडे मानयोग स्पैशल DGP साहब मैडम शशि प्रभा जी द्विवेदी जी, उन्हां दी नॉलेज ये मैटर आया, तो उन्होंने सानू गाइड करना शुरू करता, तो असी पड़ताल शुरू की। तो पता लगा कि भी कुड़ी है जिहड़ी वो अपनी सहमति नाल किसी दे नाल जा रही है। तो फिर उस तो बाद असी उहदी खोज शुरू करती। सर किस तरह मतलब मामला की सीगा कि जो तुसीं दस्सिया बरामद कित्थों होई आ, किहड़े हालातों च होई आ, और जिहड़ा व्यक्ति लैके गया की सीगे, मंशा की सी? सर मामला तो बाद जदों कुड़ी रिकवर हुई सानू उस तो बाद पता लगा कि भी जेड़ा व्यक्ति कल कुड़ी का भरा दसदा पिया सी अपने आप नूं, वो असल विच वो बिहार तो कुड़ी नूं बहला फुसला के बरगला के भजा के लेके आया सी, जिथे उहदा मुकदमा दर्ज है बिहार च। ते मतलब यही है कि भरा जेड़ा अपने आप नूं दस रहा सी वही उहदा आशिक सीगा? आशिक तुसीं कह सकते हो जी, उन्हों भजा के लेके आया। साडा कल तक तो वह मुद्दा ही सी, दरखास्त देंदा उही सी जिहदे कल तक तो उहदा भरा ही सी। उह तां कुड़ी रिकवर होने तो बाद कुड़ी ने दस्सिया कि यह मैनूं उत्थों भजा के लैके आया। ते लड़की दे जिहड़े परिवार वाले ओह कौण, उहनां नाल कोई संपर्क होया तुहाडा, कोई गल्लबात? थाने संपर्क हो गया, उत्थों बिहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया होया, तो पुलिस पार्टी उत्थों रवाना हो चुकी है, जदों उरे आंदी है फिर असी उन्हां दे हैंड ओवर कर देवांगे। ते सर लड़की दे किस तरह दे हालात जदों तुसीं लै लिया इत्थों बरामद होई है, किस तरह दे हालात? कुड़ी नॉर्मल हालातां सी, इहदा मतलब कि मामला जदों तुसीं गए कोई लड़की मिली तुहानूं? करीब 8 बजे दा रात दा, असीं 8 बजे रिकवर करा ली सी ढोले वाल ते चौंक दे विच, ओह आराम नाल ही बैठी होई सी, ते CCTV फुटेज दी मदद नाल सानूं उहदे लिबास तो उहदे सूट सलवार तो जो ने पहरावा सी उस तो सानू पता ही लग गया कि भी लाल रंग दे ने कपड़े। सर तुसी लड़की नाल गलबात कीती भी की सीगा सर, लड़की ने कुछ दस्या? लड़की ने यही दस्या कि भी जेड़ा मुलजम है अविनाश, उहने अपना नाम दस्या सी, कल मीडिया ने खबरां भी चलाईयां वैसे तां, ते ओह मैनूं भजा के लैके आया, ते इत्थे उहनां दी किसे गल्लों बहस बसाई हो गई ते ओ इत्थों चली गई। किसे दे किवें सर देखदे हो कि लड़की हुण वापस अपने घर जाना चाहती किस तरह? बेटी तो हुण नाबालिग है जी, बिहार पुलिस तुरी हुई है, मुकदमा दर्ज है, उत्थे ओ तां जाऊगी जी। इत्थों किहदे नाल गई है? स्टेशन तो कोई अननोन बंदा सी, उन्हें कहा कि मेरे रिश्तेदार इत्थे रहिंदे आ शेरपुर चौंक दे नेड़े ढोले वाल,
ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 11:30 ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ RPF ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਦੜ ਪਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ 8:00 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਕੁਛ ਸਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ CWC ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ।